हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 14 व्हाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपने यदि कुछ उसका ब्लॉक बना दिया है तो जब तक वो ब्लॉक कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी जो आपके द्वारा दी गई है लूप के अंदर। ओके, ये आप जैसे प्रोग्राम बनाएंगे आपको और समझ आएगा। द व्हाइल लूप थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। ओके, ये तब तक ही एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। आप सिंटेक्स देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप का। बेसिकली लूप तीन प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। ओके, आप देख सकते हैं व्हाइल लूप, हमने व्हाइल एक कीवर्ड है, उसके आगे उसकी कंडीशन लगाई और कोड में हमने जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है कंडीशन ट्रू होने पर वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ओके, इसको ये हटा देते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके ओके, अब आप देख सकते हैं इसे, यहाँ से हमने एक वेरिएबल लिया है इसमें। ओके, वेरिएबल लिया एक्स नाम का और जिसमें वैल्यू असाइन करी वन। व्हाइल लूप की मदद से हमने एक्स पहले कंडीशन चेक करवाई, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइप एक्स प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद लाइन चेंज के लिए हमने br टाइप का उपयोग किया है और फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए प्लस प्लस। ओके, तो क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक का जो टेबल है वो प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तब हम इसे नोट पैड पर देख लेते हैं। ओके, नोट पैड में देख लेते हैं हम इसे। ओके, आप देख सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया, x की वैल्यू 1 असाइन करी, उसके बाद ये हमने उसके अंदर कंडीशन लिखी व्हाइल लूप के अंदर, फिर व्हाइल लूप क्लोज किया। अब हम इसे पहले सेव कर लेते हैं। अब व्हाइल नाम से हमने इसे सेव कर लिया और अब हम इसे जाके गूगल क्रोम पर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं गूगल क्रोम पर हमने ओपन किया है इसे। ओके, और 1 से लेके 10 तक का की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ओके, इसी तरीके से आप यदि यहाँ कुछ वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप व्हाइल लूप की मदद से कर सकते हैं। ओके, और आप यहाँ कर सकते हैं वैल्यू 20 तक। ओके, और यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स इज्क्वल्स टू एक्स प्लस 2। ओके, क्योंकि हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है। और अब आप इसे सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पर अभी इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो आप देख सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से हम किसी भी डिजिट का टेबल प्रिंट करा सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।